हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन शुरू किया जाता है। महीने में दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह आप रोजाना की तरह पूजा करें। पूजा के बाद आप व्रत करने का संकल्प ले लें। 7, 11, 21, 51 जितना भी व्रत करने की आपने सोची हो। शाम को 4 बजे के बाद दिन ढलने से पहले किसी भी टाइम आप एक साफ जगह पर पूर्व दिशा की ओर थोड़ी सी हल्दी में पानी मिलाकर एक चौके का आकार दे दें। इसके बाद आटे से आप लक्ष्मी जी का चौक बनाएं। फ्रेंड्स, ये चौका बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने घरों में भी देखा होगा, जब हम मंदिर बनाते हैं तो सबसे पहले अर्पण देते हैं, फिर भगवानों को स्थापित करते हैं। हो सके तो लकड़ी का चौका रखने से पहले आप इसे ज़रूर बनाएं। मैंने यहाँ पर छोटी स्टडी टेबल रखी हुई है, फिर इसमें लाल कपड़ा बिछाएंगे हम, और फिर इसके बाद ये माता रानी की फ़ोटो को रखेंगे। अगर आपके पास श्रीयंत्र की मूर्ति है तो आप उसे भी रख सकते हैं। मैंने ये कागज़ का प्रिंट निकाला हुआ है तो मैं इसी से पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कुबेर कुंजी मीशो से मंगवाई है। इसमें महालक्ष्मी की फ़ोटो और श्रीयंत्र भी बना हुआ है, तो मैं पूजा के टाइम इनको निकाल लेती हूँ इसमें से, और इन्हें भी अपनी फ़ोटो के सामने इन मूर्तियों को स्थापित कर देती हूँ। अगर आप भी ये कुबेर यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो मैं कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद एक लाल चुन्नी माता को उड़ा दीजिए। अब एक लोटे में साफ जल भर के उसमें थोड़ा गंगा जल ऐड कर दीजिए। फिर इसमें चावल और थोड़े से फूल भी डाल दीजिए, और इसके बाद एक मौली धागे को कलश के चारों ओर बांध लेंगे। अपने बाएँ हाथ की साइड चावलों का छोटा सा ढेर रख देंगे और फिर उसके ऊपर ये पानी का कलश रख देंगे। इसके बाद एक कटोरी रखेंगे और कटोरी में कोई सोने का गहना रखेंगे। मेरे पास ये नाक की रिंग अवेलेबल थी तो मैंने यही रखी है। इसके बाद ये माता रानी के भोग की खीर भी यहीं सामने में रख देंगे और एक फल चढ़ा देंगे माता रानी को। अब ये पुस्तक भी एक दाहिनी साइड रख देंगे। अब एक थाली में थोड़ा सा चंदन, कुमकुम, अक्षत, थोड़े से फूल और बतासे रख लेंगे और इन्हें पानी डालकर हल्का सा गीला कर लेंगे। अब एक आरती की थाली में टीका पिटिया लगाकर स्वास्तिक बनाएंगे। अब इस थाली को माता रानी की चौकी में रखेंगे और इसमें घी का दिया, धूप और कपूर रखेंगे और दिया प्रज्वलित करेंगे, धूप जलाएंगे। सबसे पहले टीका श्री यंत्र में लगाएंगे, इसके बाद माता रानी की फ़ोटो में लगाएंगे और मूर्तियों में भी इसी तरह टीका और चंदन लगा देंगे। अब इसके बाद कलश में और सोने के गहने में भी टीका कुमकुम लगा लेंगे। इसी प्रकार माता रानी की फ़ोटो में भी टीका पिटिया लगाकर फूल अर्पित करेंगे। इसी प्रकार माता रानी के सामने ये बतासे और दक्षिणा चढ़ाएंगे। माता रानी की किताब को उठाकर सर्वप्रथम श्रीयंत्र और धन लक्ष्मी माँ को टीका चंदन लगाएंगे, और इसी प्रकार माता रानी के समस्त रूपों को टीका चंदन लगा करके माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे। और ये जो नीचे लिखा हुआ है सभी में ये पढ़ेंगे, हे धन लक्ष्मी, जिस तरह आपने सावित्री की सारी मनोकामनाएं पूरी की वैसे ही हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी, जगत का कल्याण करने वाली मैं, सबकी झोलियाँ भरने वाली मैं, मेरी भी झोली भरना। इस तरह सभी रूपों को प्रणाम करेंगे। अब अपने दाएं हाथ में चावल लेकर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करेंगे। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासनु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिर अम्बा हरि सखी, या श्री मनोलहादिनी, या रक्त कर्मंथनात् प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी, या मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। आरंभ। एक बड़ा उत्तम नगर था जिसकी सहज जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, बड़ी कथा समाप्त होने के बाद लक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे। इसके बाद इन चावलों को माता रानी की मूर्ति के सामने रख देंगे। ताप को पुनः उसी स्थान में रखकर कपूर जलाकर अब आरती करेंगे। आरती पहले गणेश जी की, फिर उसके बाद विष्णु भगवान की, फिर लक्ष्मी माता की करेंगे। यत्रा भाग्यवदान मानव चरण पख्यालयम भोजनम सत्सेदा पितृदेवार्चनो विधि सत्याम गावाम पालनम धन्या नमापि सग्रहो न कलिहश्यता रूपा पा प्रिया त्रिष्टा प्रहा हरि वशामी कमला तस्मिन ग्रहे निष्फला। जब ये आरती ठंडी हो जाए, रात्रि में ही आपको सारा सामान उनकी व्यवस्थित जगह पर रख देना है। खीर का प्रसाद आप अपने भोजन के साथ करें तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी दें।
कलश का पानी आप तुलसी के पौधे में डाल दें तथा ये सभी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें। इस आटे को आप पेड़ की जड़ में डाल दें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।